सभी किसान भाइयों का हमारे इस यूट्यूब चैनल बदरान प्रोडक्शन पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के दौरान बात करेंगे गेहूं की फसल में यूरिया की बुआई का सही समय कब होता है, सिंचाई के पहले होता है या सिंचाई के बाद। इस वीडियो के दौरान आज हम आपको यही बताएंगे कि यूरिया का इस्तेमाल आप कब करें, सिंचाई से पहले करें या सिंचाई के बाद करें। तो अब हम बात करते हैं यूरिया की पहली बुआई के बारे में। जैसा कि सभी किसान भाइयों को पता है कि यूरिया में लगभग 46% जो है नाइट्रोजन होती है और यह एकमात्र फसल के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है। इसकी बुआई के बाद यह आपको 7 से 8 दिन में आपको ये फसल में जो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि यह एक नाइट्रोजन जो है एक दानेदार की अवस्था में जो है आपके खेत में लाई जाती है और इसे प्लांट को दी जाती है। जैसे ही आप अपने खेत में यूरिया की बुआई करते हैं, आपका प्लांट जो है इसे लेना शुरू कर देता है, अपटेक करना शुरू कर देता है और आप इसका रिजल्ट 7 से 8 दिन में देखते हैं कि आपकी फसल जो है ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देती है और आपकी फसल में जो का रंग जो है वो काला हो जाता, मतलब कि डार्क कलर का जो आपका पत्ता है वो फसल का वो काला होना है शुरू हो जाता है। किसानी भाषा में से काला रंग कहते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि यूरिया का जो है वो किस किस रिएक्शन में जो है टूटता है, किस फॉर्म में आपका प्लांट आपके यूरिया को जो है लेता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूरिया में जो है हाइड्रोलिसिस की जो है रिएक्शन होती है और यूरिया पहले अमोनिया अमाइड में टूटता है, फिर यह इस कुछ नाइट्रिफिकेशन के बाद यह कुछ यह जो है वातावरण में भी जो इसका वाष्पीकरण हो जाता है और जो नाइट्रेट की फॉर्म में जो कि आपके पौधों को मिलती है वो जो है आपकी सॉइल में जो है लीच डाउन कर देती है। और जैसे कि आप देख वीडियो में देख रहे हो कि अमोनियम और नाइट्रेट जो है आपकी पृथ्वी में जो है सॉइल में जो है नीचे लीच करती है और प्लांट की जड़ों में जो है उसे मिलती है। नाइट्रेट जल्दी ही प्लांट अपटेक कर लेता है, अमोनियम कुछ रिएक्शन के बाद जो है प्लांट अपटेक करवाता है। तो आप सभी से यही है कि जो आप तो अब बात करते हैं यूरिया की पहली बुआई आप कब करें, सिंचाई देने के बाद करें या सिंचाई करने से पहले करें। जैसे कि आप सभी किसान भाई ये पता है कुछ किसान भाई जो है यूरिया की बुआई गेहूं में सिंचाई से पहले कर देते हैं। मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि सिंचाई से पहले करने वाली बुआई का हमें लगभग 50 से 60% उसका जो है लॉस होता है। प्लांट जैसे ही आप यूरिया अपने सिंचाई से पहले खेत में डालेंगे तो वह पानी आने पर वो जो है सोइल में बहुत नीचे तक जो है नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट की फॉर्म में नीचे चली जाती है, जिसे प्लांट एब्जॉर्व नहीं कर पाता, यानी कि अपटेक नहीं कर पाता और उसका आपकी फसल में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को यही बताना इस वीडियो के दौरान यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी फसल में यूरिया की बुआई पानी देने के बाद करें, जिसे प्लांट जल्दी ही अपटेक करता है और पानी देने के बाद यूरिया की गई बुआई जल्दी ही नाइट्रोजन जो गैसेस जो है वो डिजोल्व हो जाती है, पानी में घुल जाती है और उसे प्लांट जल्दी ही अपटेक कर लेता है क्योंकि वह ऊपरी सतह पर पृथ्वी की जो है मौजूद होती है और उसे अपटेक करने के लिए प्लांट को कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसलिए जो है सही समय यूरिया की बुआई करने का सही समय जो है फसल में सिंचाई के बाद ही होता है, जिसे और इसका फ़ायदा यही होता है कि यूरिया की बुआई का सिंचाई के बाद डालने का ये जो है ईजिली जो है डिजोल्व हो जाता है और प्लांट हमेशा आपके जो भी फर्टिलाइज़र आप खेत में डालते हैं हमेशा डिजोल्व मतलब कि घुलनशील अवस्था में ही उसे लेता है और इसलिए प्लांट हमेशा यूरिया की बुआई जो है अपनी फसल में सिंचाई के बाद ही करें। तो हम आपको इस वीडियो के दौरान यही बताना चाहते हैं कि जो भी यूरिया की बुआई होती है वो हमेशा अपनी फसल में सिंचाई के बाद ही इसका उपयोग करें और इसका सही समय हमेशा पहली यूरिया डालने का सही समय सिंचाई के बाद ही होता है। तो अब इस वीडियो में आपसे विदा लेंगे और अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नई वैरायटीज़ के बारे में आपको बताएंगे और कुछ नई टेक्निक भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।